नमस्कार, पहले हमने बात करी थी PCOS में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। हर बार, हर किताब में, हर वीडियो में लिखा रहता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। बट आखिर ये है क्या? क्या लाइफस्टाइल मैनेज करनी है? क्यों अभी ज़्यादा हो रहा है और हमें क्या मैनेज करना है? ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है हम सही समय पर सोएं, सही चीज़ें खाएं और सही तरीके से एक्सरसाइज करें। अब ये सही क्या है? तो सही समय पर सोना सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्लीप, वाई स्लीप इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? आपने कभी कहीं पढ़ा होगा या अगर आप जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति बिना खाए, बिना पानी पिए रह सकता है, पर बिना सोए नहीं रह सकता। क्योंकि जब व्यक्ति सोता है तभी उसके सारे सेल्स रीऑर्गेनाइज होते हैं, रीबूट होते हैं एक तरह से, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये सेल्स का रीजनरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता अगर आप सही समय पर नहीं सो तो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। अब सबसे बड़ी समस्या आज के समय में नींद से नहीं आने की कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, नेटफ्लिक्स या कोई भी सीरीज़ देखना, इन सब से हमारी आँखों पे कांस्टेंट जोर पड़ता है और वो जोर पड़ने के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपको नींद ही नहीं आती। अधिकतर लोग 12-1 बजे तक ही सोते हैं और सुबह 9-10 बजे उठते हैं, तो आपका जो पूरा सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो पुराने समय में 10-11 बजे सोने और सुबह 4-5 बजे उठने का सिस्टम था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। कोई भी आजकल लगभग ऐसा नहीं करता, और चूंकि आप ऐसा नहीं करते तो आपके बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन सिक्रीशन, जिससे अंडे अच्छे बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रॉपरली सिक्रीट रात में होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाले एंजाइम्स, सब खत्म हो जाते हैं। इनका प्रॉपर सिक्रीशन ही ख़त्म हो जाता है, और चूंकि ये हार्मोन्स अच्छे सिक्रीट नहीं होते, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाती है, और ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने के कारण आप पूरी तरीके से मिसमैच्ड या इम्बैलेंस्ड हो जाते हो। तो द फर्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज़ सही सोना। सही सोना यानी 10 से 11 बजे के करीब सो जाना। आपको डीप स्लीप लेनी है। ऐसे लोग जिन्हें नींद प्रॉपर नहीं आती, उन्हें हमेशा कुछ पढ़ते हुए सोना चाहिए। पढ़ना टैब पर नहीं चाहिए, मोबाइल पे नहीं चाहिए, एक किताब लेकर पढ़ना चाहिए। और रात में हल्का गर्म दूध पी के सोना चाहिए। पाँव धोकर, एड़ियों पे हल्का घी लगाकर सोना चाहिए। कोशिश करना चाहिए आपका खाना 7-8 बजे तक हो जाए, ताकि 2 घंटे प्रॉपर मिलें आपको खाने को डाइजेस्ट होने में और आपको एसिडिटी ना हो जब आप सोने जाएं। अगर आप अपना एक रूटीन तय करते हैं और निश्चित समय पर बेड पर जाते हैं तो आपको प्रॉपर और सही नींद आएगी, और जब आपकी नींद सही होगी तो आपके हार्मोन्स भी बिल्कुल सही होंगे। डू द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू इन लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट इज स्लीप प्रॉपरली। ठीक है, बाकी की जो 2 चीज़ें हैं, जैसे सही खाना और सही एक्सरसाइज, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।